हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि सीपी प्लस डीवीआर से कोई भी सीपी प्लस या कोई भी ब्रांड का कैमरा हो, जो वाईफाई कैमरा हो, उसको हम लोग डीवीआर से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं विदाउट वायर के। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखने वाले हैं। सीखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब है वो पक्का कर लेना। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इजी कैम जो ऐप है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में उसका जो ऑनलाइन सिंबल आ रहा है, इसको आप कैसे कनेक्ट करने वाले हो कैमरे को, अगर आपको पता नहीं है तो वो भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो कैमरा भी आप कनेक्ट करना सीख जाओगे। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक करना है और नीचे ऑन वाइफ ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है और उसको यहाँ पे ऑन कर देना है। और यहाँ पे पासवर्ड है वो सेट कर लेना है, जो भी आपको पासवर्ड लगाना है वही अपने आगे डीवीआर में जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने मोबाइल का काम है वो खत्म हो गया, अब चलते हैं अपने डीवीआर पे। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, मेन मेन्यू पे आना है और यहाँ पे कैमरे वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे चैनल टाइप में आना है और यहाँ पे पांच नंबर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको, ताकि आपको क्लियरली वो समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ कैमरे को, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए पांच नंबर पे है, यहाँ पे आईपी कैमरे वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे आईपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे पांच नंबर जो कैमरा है, देखो ये फाइव नंबर, ये तो सारे डीवीआर में कनेक्ट है, पांच नंबर वाले पे आपको राइट का सिंबल करना है, ठीक है। बाकी पे राइट का सिंबल है वो नहीं करना है। तो बाकी मैं वो अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ पांच नंबर कैमरा है वो आईपी कैमरा है, अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब डीवीआर बंद होकर वापस स्टार्ट होगा, उसके बाद में हम लोग कैमरा कनेक्ट करने वाले हैं वाईफाई वाला। अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आना है और ऐड कैमरा पे क्लिक करना है और जो आपके डीवीआर के पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको पासवर्ड है वो लगाने हैं। तो मैं पासवर्ड है वो लगा देता हूँ और ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रहे उसी वाईफाई से कैमरा कनेक्ट करना है जिससे आपका डीवीआर है वो ऑनलाइन है। जैसे मेरा ऊपर डीवीआर लगा है, मैं आपको दिखा दूँ जस्ट ऊपर, ये उसी इंटरनेट से कनेक्टेड है जिससे मेरा कैमरा है वो ऑनलाइन है। अब यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करता हूँ, सर्च करते हैं यहाँ पे कैमरे की जो आईपी है वो यहाँ पे आ जाएगी और हमें सिंपली ऐड करना है उसको। तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एक आईपी आ गई और आईपी को हमें पता करना है कि कैमरे की आईपी है या किसी और की आईपी है। तो उसके लिए सिंपली हमें करना क्या पड़ता है वो अभी मैं आपको बता दूँ। एक बार मैं फ़ोन की स्क्रीन आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ कैमरा ऑनलाइन दिखाई देगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आओगे ना ऑन वाईफाई पे, तो यहाँ पे एक आईपी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए आईपी जो यहाँ पे आ रही है सेम आईपी वहाँ पे आएगी जो कि ऊपर एलसीडी में आपको दिखाई दे रही है। सिंपली इसको राइट क्लिक करना है और इसको ऐड कर देना है। यहाँ ऐड कर दें, स्टेटस जो रेड वाला है कुछ ही देर में यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, तो कैमरा है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो अभी रेड है तो ग्रीन का वेट करते हैं, जैसे ग्रीन होगा तो यहाँ पे कैमरा है वो कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई वाला बिना किसी वायर के। तो उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, जो पासवर्ड आपने कैमरे के अंदर लगाए हुए हैं आईडी में, तो वही पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये ध्यान रखना ये डीवीआर के पासवर्ड नहीं है, ये वाईफाई कैमरे के पासवर्ड हैं। और एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो जो डीवीआर वाले पासवर्ड नहीं है, ये जो हमने वाईफाई कैमरा सेटअप कर रखा है उसके पासवर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन टिक हो गया और यहाँ पे जो ये कैमरा है वो ऑनलाइन हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको हाथ में लेके भी दिखा दूँ, ये जो कैमरा है वो वाईफाई है, इसमें कोई भी वायर है वो अटैच नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन किया हुआ है। ऑनलाइन आपको नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब होगा पक्का कर लेना।